शिस्त का पालन होना ही चाहिए। जो भी नियम घड़े गए हो उसको हमें जीना ही है, लेकिन जब शिस्त एक कुसंप का परिणाम, एक समझो कलह और क्लेश के परिणाम के रूप में जब डिसिप्लिन आती है, उसमें आनंद नहीं होता है। झगड़ों के परिणाम स्वरूप डिसिप्लिन लाई जाती है कभी कभी, बहुत से प्रश्न होते हैं, क्लेश होता है, कलह होता है, फिर नियम घड़े जाते हैं, देखो अपना अपना काम करो, किसी को डिस्टर्ब मत करो, अच्छा लगता है। उससे अच्छा है कि पांडव पक्ष देखिए ऐसे डिसिप्लिन जैसा लगता नहीं है, प्रथम शंकना दुष्टदुम्न नहीं करते हैं, न तो उनको कोई चिंता है। कौरव पक्ष में क्या है, कदाचित समझो कदाचित कोई और शंखनाद कर दे तो झगड़ा हो जाएगा, कदाचित हमें पता नहीं भीष्म पितामह को भी प्रश्न हो जाए, अरे भाई इसको ही शंखनाद करना था तो मुझे क्यों सेनापति बनाया, अच्छे शब्दों में, लेकिन एक कंप्लेन तो हो सकती है। तो एक और शिस्त है, यहां शिस्त को लोग जानते हैं पांडव पक्ष में, शिस्त तो उत्तम चीज है, लेकिन शिस्त एक कलह और क्लेश का परिणाम नहीं। अब देखिए पांडव पक्ष की विजय क्यों है कि यहां तो हर कार्य में प्रथम भगवान श्री कृष्ण है, यूनिटी में भी देखिए एक विशेषता है, सब यूनाइटेड है कृष्ण की आजू बाजू, जहां एक अच्छे मार्गदर्शक, अच्छे गुरु और स्वयं परमात्मा हो और उनकी निष्ठा से सब मिले हुए हो तो उनको कोई हरा नहीं सकता, यह भगवद गीता हमें सिखाती है। यूनाइटेड बनिए, एक दूसरों को आदर दीजिए, देखिए कितने लोग आगे आए दुष्ट दुम्न के पहले, सबको आदर, पांच पांडव आए और भी राजा लोग आए और यहां तो दुष्ट दुम्न 9वें नंबर पर आए। तीसरी बात है स्वरूप निष्ठा, श्री कृष्ण की निष्ठा, चाहे कोई भी हो, पोस्ट का क्या नाम है, सेनापति हो, महारथी हो, जो कुछ भी हो, लेकिन हमारे यहाँ तो प्रथम शंखनाद भगवान श्री कृष्ण ही करेंगे। तीन बातों से हम इस शंखनाद को सीखना चाहते हैं। सबसे पहली बात, यूनिटी को बढ़ाइए। शिस्त से काम होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शिस्त भंग हो तो झगड़ा नहीं होना चाहिए। हमारे गुरुदेव परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की पहले जो हमारे गुरुजी थे, जिनका नाम था योगी जी महाराज, वो कहा करते थे, गुजराती में कहते थे, एक बीजानी क्रिया संपत्ति करी लेवी। हम एक कुटुंब में रहते हैं, हम घर से ही शुरू करें, यूनिटी पहले घर में बनाए। एक बीजानी क्रिया संपत्ति करी लेवी, इसका मतलब होता है एक दूसरों की क्रिया ऐक्य से, मदद करने की भावना से कर लीजिए। किसी को कुछ करना रह गया, चलो हम कर देते हैं, क्या चिंता है, नहीं ये काम उसका ही है, उसको ही करना चाहिए, ये डिसिप्लिन अच्छी है, लेकिन आप मदद कब करेंगे। तो घर में हम लोग रहते हैं, पति है, पत्नी है, बेटे हैं, बेटियां हैं, सास हैं, तो ये सब लोग एक कुटुंब हमारा है, दो भाई भी साथ में रहते हैं, ज्वाइंट कुटुंब होता है, तो सबसे पहले हमारे कुटुंब में हम यूनिटी को बढ़ाएं। प्रमुख स्वामी जी जो हमारे गुरुदेव, जिन्होंने अक्षरधाम निर्माण किया, वह चार सिद्धांत बताते थे यूनिटी के लिए। सबसे पहली बात, जिस कुटुंब में आप रहते हैं, चाहे फिर आप कॉरपोरेट में भी जाएं, आप बिजनेस करते हैं, आज कहीं नौकरी करते हैं, आप कोई ऑफिस में काम करते हैं, जहां पर भी आप हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, कोई देश के लिए करते हैं, लेकिन यूनिटी को बढ़ाओ। उसके चार सिद्धांत प्रमुख स्वामी जी कहते थे। सबसे पहला सिद्धांत, कष्ट उठाओ, औरों के लिए कष्ट उठाओ, हमारे साथ जो लोग रहते हैं उनके लिए कष्ट उठाओ। हम घर में रहते हैं, कष्ट उठाना मतलब क्या है, कुछ काम करना होता हमें तो सभी कष्टदायक लगता है, लेकिन हम जब दूसरों के लिए कुछ सेवा करेंगे तो यूनिटी बढ़ेगी, उसका एक आनंद होता है। दूसरी बात प्रमुख स्वामी जी कहते थे, अनुकूल बन जाओ।
यूनिटी में सबसे बड़ी बात यह है अनुकूल होना। हमारी जीवन पद्धति ही ऐसी हो कि हम जितने हमारे सभ्य आसपास रहते हैं उनके साथ अनुकूल हो जाएं। पांडवों की भी ये विशेषता थी, एक दूसरों के अनुकूल है। देखिए, कोई कंप्लेन नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई आशंका नहीं, झगड़ की तो कोई बात ही नहीं है। तीसरी बात प्रमुख स्वामी जी कहते थे, बहुत अच्छी बात है, सहन करना, टॉलरेट। सहन कीजिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रकृतियां होती है, स्वभाव होते हैं, कार्य करने की पद्धतियां होती है, जीवन शैली होती है। कोई बहुत बोलते रहते हैं, कोई बोलते ही नहीं है, कोई सुनते ही नहीं है, कोई अभिमानी होते हैं, कोई दंभी होते हैं, कोई ईर्ष्यालु होते हैं, कपटी होते हैं। सब दुनिया में तो ये सब कुछ है, और हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी है। स्वभाव दोष तो हर जगह पर है, हम भी गलत काम करते हैं, तो थोड़ा सहन कीजिए, इससे यूनिटी बढ़ती है, पांडव पक्ष जैसा काम होगा। तो और चौथी बात प्रमुख स्वामी जी बहुत अच्छी करते थे, अपने मन में जो निश्चित किया उसको छोड़ दीजिए। स्वमनोद्रुतम, अपने मन में जो हमने कुछ निश्चय किया ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, इस चीज को हिलाना है, यहां पर ही रखना है, इस ढंग से ही काम करना है, इसको कहते हैं मन घड़ंत बातें हैं। हाँ, कदाचित अच्छी भी होती है, हम जो योजना करते हैं पूरी, और इस योजना के अनुसार सफलता जल्दी भी मिल सकती है, लेकिन जब यूनिटी बढ़ानी हो, ऐक्य की बात आए, तो जो कुछ हमने मन में निश्चय किया उसको छोड़ना भी पड़ता है। तो इस तरह प्रमुख स्वामी जी ने चार चीजें बताई, एक कष्ट उठाओ, अनुकूल बन जाओ, सहन करो, और अपनी मन की बात को छोड़ दो, और किसी की बात का स्वीकार करो, भले ही उपयोगी हो या ना हो अलग बात है, स्वीकार करो। आपके पुत्र कुछ कहते हैं उसका स्वीकार करो, आपकी पुत्री कुछ कहती है उसका स्वीकार करो, पत्नी कुछ कहती है उसका स्वीकार करो, पति कुछ कहता है उसका स्वीकार करो, पिता कुछ कहते हैं। देखिए, इस तरह से यदि हम जीवन जिएंगे तो विजय निश्चित, पांडव पक्ष का यह शंखनाद हो जाएगा। आज जो यह बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था है, प्रमुख स्वामी जी ने जो अक्षरधाम का निर्माण किया, भव्य अक्षरधाम गांधीनगर में, दिल्ली में, अभी अमेरिका में बन रहा है, उसके पीछे एक यूनिटी है। लेकिन ये यूनिटी भी कैसी है, देखिए, ये सब सिद्धांत तो सबके जीवन में है ही, स्वयं प्रमुख स्वामी जी के जीवन में ये सिद्धांत को हमने आंखों से देखा। परोपकार के लिए कष्ट सहन करते थे, सब कार्य करते थे, सबको अनुकूल। प्रमुख स्वामी जी जहां रहते थे सबको, किसी को प्रतिकूलता का अनुभव ही नहीं हुआ, सबको लगता था कि स्वामी जी तो बहुत अनुकूल है, हमारे हैं। बच्चों को लगता था, छोटे बच्चों को, हमारे हैं, युवाओं को लगता था हमारे हैं, बुजुर्गों को लगता था हमारे हैं, सबको अनुकूल, ऐसा एक अनुभव सहन करते थे। प्रकृतियां बुराइयां सहन करते थे, जानते थे सद्गुण क्या है, लेकिन धीरे धीरे अपने आप परिवर्तन होने देते थे, और कभी उन्होंने अपने मन की ही बात को पकड़ कर नहीं रखा। उन्होंने ऐसी एक कार्य पद्धति अपनाई, अपने आप लोग उनके अनुकूल हो जाते थे। तो एक यूनाइटेड पूरा परिवार, बीएपीएस परिवार हम कहते हैं, तो फल देखिए कितना बड़ा, अक्षरधाम जैसे निर्माण होते हैं। लेकिन इन सब के पीछे ये पूरी जो यूनिटी की बात मैंने की, रिस्पेक्ट की बात की, उसके मूल में है श्री कृष्ण। पांडव पक्ष की शक्ति भगवान श्री कृष्ण है, उनकी यूनिटी की शक्ति भी भगवान श्री कृष्ण है। भगवान में श्रद्धा और भगवान को अग्रिमता देना, हमारे जीवन में चाहे कितने भी कार्य क्यों हम न करें, उसका आरंभ भगवान से हो। हम घर में कोई नई चीज लाते हैं तो पहले भगवान, हम नया घर खरीदते हैं पहले भगवान, किसी कार्य का आरंभ करते हैं पहले भगवान। हर कार्य में भगवान आगे होना चाहिए, हर कार्य का श्रेय भगवान को होना चाहिए। इस तरह का यदि हम जीवन जिएंगे तो निश्चित हमारी विजय। प्रमुख स्वामी जी के जीवन में ये हमने देखा था, भगवान की अग्रिमता, भगवान की प्रधानता। तो यह तीन बातें हमें यहां जानने मिलती है। सबसे पहली बात यूनिटी, ऐक्य, दूसरी बात है आदर,
देखिए कितना आदर पांडव पक्ष में, घर में एक दूसरों के लिए आदर रखिए। तीसरी बात है स्वरूप निष्ठा, भगवान में विश्वास और भगवान की प्रधानता। बहुत सी विशेषताएं यहाँ हमें समझने मिलती हैं, और कुछ बातें हैं वो अगले व्याख्यान में करेंगे। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।